नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनसोपचार तज्ञ हूँ और मैं अलग अलग वीडियोस के द्वारा साइकियाट्री के पेशेंट्स को और साइकियाट्री के पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को अवेयरनेस कराना चाहता हूँ। मेरी वीडियो सीरीज है, मैंने पिछली बार डेमेंशिया और उसके सिम्टम्स के बारे में बताया था और मैं आज वही सिम्टम्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया, डेमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं उनको अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, उसमें और भी कई सिम्टम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पेशेंट का बिहेवियर खराब होने लगता है, पेशेंट चिड़चिड़ा बनने लगता है, उसका मूड लेबाइल होने लगता है, वो कभी हंसने लगता है, कभी चिड़चिड़ा बनता है, कभी रोने लगता है। तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ये समझ में नहीं आता कि पेशेंट से बर्ताव कैसे करना। पेशेंट को अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, भास होने लगते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कोई मुझे मारने आने वाला है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मेरे बच्चों को पकड़ के लेके जाएंगे, मेरे घर वाले मुझे खाना नहीं देंगे, मुझे पॉइजन कर डालेंगे। उन्हें अलग अलग प्रकार के कीड़े या सांप दिखने लगता है, उनको डर लगने लगता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है। और होता क्या है, वो चिड़चिड़ करने लगते हैं। उनकी इच्छा तो नहीं रहती है लोगों को तकलीफ देने की, पर इनडायरेक्टली वो तकलीफ बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन्स। पेशेंट का मूड भी खराब हो जाता है, पेशेंट कभी डिप्रेशन में जा सकता है या मेनिया में जा सकता है। पेशेंट को एंग्जाइटी बहुत होने लगती है, हर चीज में वो ज्यादा सोचने लगता है, हर चीज पर ज्यादा विचार करने लगता है। उसके वजह से पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स है वो उन्हें पसंद नहीं करते। पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, उनके रिलेटिव्स है जो बोलते हैं कि पेशेंट को डिमेंशिया है वो तो अलग बात है, लेकिन इनकी नींद आप सही कर दो, क्योंकि वो दिन भर सोते रहते हैं और रात को जगते हैं, रात को घूमते रहते हैं, उसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है, क्योंकि पेशेंट का जो स्लीप वेक साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट की एंग्जाइटी होने लगती है, उसके साथ में ही पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आता है, साथ में ही बिहेवियर प्रॉब्लम भी आ सकता है। पेशेंट का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो खराब होने लगते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स डेमेंशिया में हमको दिखाई पड़ते हैं। पेशेंट का फिजिकल एग्रेशन बढ़ जाता है, मतलब वो चिड़चिड़ापना करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मारामारी भी कर सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना और उनका तुरंत इलाज करना, ना कि घर पे बैठ के खाली देखना कि ये पेशेंट अच्छा हो जाएगा। जब भी पेशेंट को आप साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब हमारे पास लेके आएंगे, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि उनका डिटेल वर्कअप करना, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करना, शुगर लेवल, थायराइड लेवल, कंप्लीट ब्लड काउंट, क्रिएटिनिन, ये सब टेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना इम्पोर्टेंट है। पेशेंट का सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी इन्वेस्टिगेशन से हमें ये मालूम पड़ेगा कि पेशेंट का एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और पेशेंट के अगर इन्वेस्टिगेशन में जो खराबी आती है उसे हम ठीक कर सकते हैं और पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसे है? डेमेंशिया के पेशेंट में प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं है। जो पेशेंट्स को डेमेंशिया हुआ है उनको ट्रीटमेंट देने के बावजूद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो उतना इम्प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना इम्पोर्टेंट है। अगला जो पार्ट है वो ट्रीटमेंट पार्ट है। वो ट्रीटमेंट पार्ट में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तब तक मेरा वीडियोस का रहा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल पर भी जाके मेरे वीडियोज देखिए। तब तक धन्यवाद।